तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। क्या हालचाल सभी के? तो आशा करता हूँ आपकी आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो अभी देख सकते हो हमारी बाइक सर्विस हो गई है और इस पे बहुत से काम कराने हैं। तो इस वीडियो में सारे काम आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या मैंने कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशन भी कराए हैं। तो अभी आगे आप लोग वीडियो में देखेंगे। तो अभी सर्विस हो गई है और सर्विस क्या ही दिखाना है स्प्लेंडर की। तो चलो जल्दी से, नंबर प्लेट का कवर मैंने लगवाया है तो उसको देख लो। तो अभी देख सकते हो नंबर प्लेट का कवर लगने वाला है बाइक पे। और अभी इस वीडियो में मैं अपने बाइक का फुल फोम वॉश भी दिखाऊंगा, जो फोम वॉश डिटेल रबिंग के साथ हुई है। तो बाइक काफ़ी नई जैसे लगने वाली है, मतलब नई जैसे लगने लगी है। तो वो भी देखना आप लोग, आखिरी तक वीडियो में टिके रहना, आखिर तक वीडियो देखना, तो वो आखिरी में ही मैं दिखाऊंगा। और चलिए तब जल्दी से नंबर प्लेट के बारे में कुछ बता देता हूँ। नंबर प्लेट के कवर के बारे में तो ये 100 रुपये का पड़ा है हमें। और ये देख सकते हो ये लॉक भी कर दे रहे हैं, पेज से कस नहीं रहे हैं, क्योंकि पेज से टाइट करने पे क्या होता है कि वो हो सकता है कि शायद इलीगल माना जाता हो उसको, मेरे हिसाब से। तो ये लोग लॉक कर दे रहे हैं, जैसे कि RTO या मतलब आपके शोरूम से मिलता है बाइक। तो चलो फिर और अगला चीज़ देख लो। तो अगला चीज़ गाइज, ये देख सकते हो मैंने स्मोक वाइजर लगवा दिया है अपने हेलमेट पे। तो पहले मेरे हेलमेट पे मरकरी वाइजर लगा हुआ था, तो वो मुझे थोड़ा सा ओवर भी लगता था, क्योंकि बाइक भी अपनी स्प्लेंडर है तो वो थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक रहे तो थोड़ा चल जाता है। वैसे भी मुझे ओवर लगता था, मुझे ब्लैक ही पसंद था, ब्लैक मिला नहीं था हेलमेट के साथ, तो मैंने लगवा दिया। और चलो फिर जूते का अनबॉक्सिंग देख लो। ये जूते की कहानी भी है, आगे सुनोगे मैं बताऊँगा। तो जूते के अनबॉक्सिंग जल्दी से पहले आप लोग देख लो। ये कुछ जूता है, डुकाटी का जूता है और थोड़ा सा राइडिंग एंड कैजुअल शूज़ है। तो इसको मतलब कैजुअल तरीके से भी यूज कर सकते हो और बाइक राइड भी कर सकते हो, मेनली बाइक राइड के लिए ही है। और इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत दिन से इसे मैंने विशलिस्ट करके रखा था, तो ये सस्ता हुआ तो मैंने इसे मंगा लिया। और प्राइस आप लोग को गेस करना है कमेंट में कि इसका प्राइस मुझे कितना पड़ा है, आप लोग कमेंट करना, मैं असली प्राइस कमेंट में ही बता दूंगा आप लोगों को। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्राइस आप लोग गेस करके कमेंट में ज़रूर लिखना कि कितने का ये जूता मुझे पड़ा होगा। और देख सकते हो जूता बहुत ही बढ़िया है और डुकाटी के शूज़ समझ रहे हो, ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है, तो राइड और बाइक से रिलेटेड ही कंपनी भी है। तो आजकल ये हाई टॉप के जूते चल रहे हैं जो कि थोड़े ऊंचे होते हैं जिन्हें, तो मैंने भी पहला ये अपना जूता मंगाया इस टाइप का। और जूते की कहानी बताऊं तो मैं 6 तारीख को गया था काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। तो वहाँ भैया आए थे तो उनको दर्शन कराने लेके गया था। तो हम लोग दर्शन कर लिए बाबा के, और फिर उसके बाद जूता जहाँ पे सरकारी लॉकर होता है मोबाइल का, उसके पीछे रखा जाता है, तो जूता हमने वहीं पे रख दिया। और बहुत सारे जूते थे वहाँ पे और हमसे भी अच्छा अच्छा जूता था, लेकिन अब क्या करें, किसी को हमारा ही जूता जम गया, किसी चोर को। तो वो जूता वहाँ से हम लोग आए तो वापस हम लोग का जूता नहीं था। तो हम लोगों ने पुलिस को बोला तो वो लोग भी बोले कि कोई लेके चला गया है, कोई चुरा लिया, क्या ही कर सकते हो, कोई सुनवाई थी नहीं वहाँ पे। तो हम लोग चले आए और वहाँ से फिर मैं बाइक चलाया, वो भी नंगे पैर और बिना किसी कुछ पहने, नई सड़क गया। फिर नई सड़क से चप्पल लिया लगभग 2 किलोमीटर, फिर वहाँ से स्लीपर ले के तब मैं घर आया। फिर क्या ही कर सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जूते फिर से ऑर्डर कर लूँ। और भाई जिसने चुराए, वीडियो देख रहे हो तो भाई वापस कर देना यार, कुछ नहीं बोलूँगा, बस वापस कर दो यार। वैसे भी मेरे जूते बहुत ज़्यादा दिन चलते हैं और जूता बहुत ही रफ टफ था, देख सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया जूता था। और मैं सोच रहा हूँ कि फिर से इसको मंगाऊँ, तो देखते हैं, फिर से थोड़ा पैसे होंगे तो मंगा लेंगे। और इसके बाद चलिए आगे आप लोग बाइक का मेरा अगला मॉडिफिकेशन देख लीजिए। तो ये मैंने देख सकते हो अभी बाइक पे मेरा जो गोल्डन शॉकर था तो उसको मैंने सोचा मैट ब्लैक करा दूं, क्योंकि आप लोगों ने बजाज की बाइकों में देखा होगा पल्सर में, तो उसी से थोड़ा इंस्पिरेशन मैंने लिया। तो इसको मैंने पहले गोल्डन था तो वो थोड़ा ओवर लगता था और पुराना भी हो गया था, तो उसको भी मैंने ब्लैक करा दिया, मैट ब्लैक कराया ताकि पाउडर कोटिंग का फील आए। तो ये देख सकते हो भाई ने ब्लैक कर रहा है और 70 रुपीज़ मैंने इसको दिया और 80 रुपीज़ मांग रहा था भाई, लेकिन ऐसा है कि काम नेक टू नेक नहीं था, थोड़ा सा और अच्छा कर सकता था, तो ऊपर नीचे थोड़ी जगह छूटा हुआ था। तो मैंने कहा भाई 70 लो और वैसे भी अपना काम हो गया। और इसके बाद ये देख सकते हो अपना फोम वॉश चालू हो गया है। तो सबसे पहले इसमें करते हैं प्रेशर वॉश, जिससे कि धूल और मिट्टी जो भी चिपकी हुई है बाइक पे वो निकल जाए। और इसका प्राइस बता दूँ तो ये मुझे 130 रुपये के पड़े हैं, 130 रुपीज़। और इसमें कई स्टेजेस के वॉश होते हैं, कई स्टेजेस के, तो पहला स्टेज यही हो रहा है। और इसके बाद ये लोग फोम गन से फोम का स्नो फोम देख सकते हो, ये फोम इस पे बाइक पे पूरा अप्लाई कर रहे हैं। तो बाइक पे ये अप्लाई करने के बाद ये लोग
हाथ से रविंग करेंगे, वो भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। तो वो हो गया है, और अभी देख सकते हो फोम को फिर से हटाने के लिए ये प्रेशर वॉश किया जा रहा है। और बस इतना ही करने से गाइस बहुत बढ़िया साइन आ गया। इतना अच्छा साइन अभी तक मेरे बाइक पे नहीं आया था, क्योंकि मैंने कई बार वॉश कराया है बाहर भी और खुद से भी धोया है, तो कुछ इनका था केमिकल ऐसा। तो ये देख सकते हो अभी प्रेशर से, एयर प्रेशर से वाटर को हटाया जा रहा है, मतलब पानी को हटाया जा रहा है ताकि पॉलिश इस पर अच्छे से हो सके। तो अभी इस पर रबिंग पॉलिश होगी, और उसके बाद फिर से ये लोग लास्ट स्टेज की पॉलिश करेंगे, जो कि फिर से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से होगा। तो अभी ये लोग पानी हटा रहे हैं, तो ये देख सकते हो अभी रबिंग चालू हो गया है। तो रबिंग पे ये लोग ने कुछ केमिकल लगाया है, कुछ मटेरियल लगाया, जिसके बाद ये रब कर रहे हैं। तो इससे जो मिनिमल स्क्रैचेस होते हैं बाइक पे, और थोड़े मोड़े जो रफ पेंट डेंट होते हैं, तो सारे निकल जाते हैं और मेंटेन हो जाते हैं एकदम। तो वही हो रहा है ये। और गाइस कोई भी प्रोडक्ट चाहिए जो मैं यूज करता हूँ, और जो मैं मोबिल यूज करता हूँ अपने बाइक में सर्विस के लिए, तो सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आप जाके एक बार ज़रूर चेक करना। और गाइस देख सकते हो ऐसे अपना कुछ बाइक हो रहा है, और अभी रबिंग से भी काफ़ी ठीक ठाक चमक आ गई है बाइक में। और थोड़ा सा डल हो गया है क्योंकि अभी केमिकल है, इसको फिर से जब रब करेंगे हाथ से माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके हाथ में, तो फिर से साइन आ जाएगी, और वो लोग साइन आप लोग ज़रूर देखना। तो यहाँ तक वीडियो गाइज अभी तक देख रहे हो आप लोग, तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और ये देख सकते हो अपना बाइक पूरा डन हो गया है फाइनल, और देख सकते हो कुछ ऐसा लुक है, और एकदम नए जैसी बाइक अपनी चमक रही है। तो इतना अच्छा बाइक अपना कभी भी नहीं चमक रहा था। मैंने कई बार बोला आपको कि कई बार मैंने धोया है और पॉलिश कई तरह का कराया है, लेकिन कई 5 out of 5 ये है। और ये आप कराना चाहते हो वाराणसी के आसपास से हो तो लोकेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलते हैं, बाय बाय अगले वीडियो में।